हाय गाइस वेलकम टू माय चैनल चैनल यूथ टाइम्स के ऑफिशियल पे आप सभी का स्वागत है जैसा कि आपको मालूम है इसमें केंद्रीय विद्यालय समिति की तरफ से वैकेंसीज आई हुई हैं तो टीजी में एक वर्क एक्सपीरियंस की वैकेंसीज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए हमने नया बुक लॉन्च किया है जिस बुक का नाम है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग शॉर्ट पेपर साइंस प्रैक्टिस बुक टोटल दस सेट इसमें रहने वाले हैं प्रीवियस जो वर्क एक्सपीरियंस पे केवीएस की वैकेंसी आई थी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए उसके शॉर्ट पेपर्स आपको मिल जाएंगे उसकी डिटेल मैं बताऊंगा 2018, 2017, 2015, 2014 इन चार सालों में वैकेंसीज आई हुई थी उसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं इस बार जो वैकेंसीज आई है उसके अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बनाया गया है तो KVS के के शॉर्ट पेपर्स और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के लिए ये जो चैनल देख रहे हैं आप यू यु, यूथ कंटेंट टाइम्स का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है इसके अलावा फेसबुक पे जो टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है उस पर आप जरूर हमें फॉलो कर लीजिएगा आपको अधिक जानकारी अवेलेबल मिलती रहती है ये बुक मार्केट में अवेलेबल हो चुकी है नजदीकी बुक स्टोर पर जाकर इसे आप परचेज कर सकते हैं इस बुक का जो प्राइस है टू नाइनटी है और नंबर आप पेजेस की बात करते हैं तो ये दो पेज की बुक रहने वाली है टू नाइनटी पर डिस्काउंट भी अवेलेबल होता है तो ये आप हमारी वेबसाइट वाई सी से परचेज़ कर सकते हैं या कुछ ऑनलाइन स्टोर जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट इंस्टा मोजो मेसो और जियो मार्ट भी बुक अवेलेबल है वहाँ से भी जाकर आप इसे परचेज़ कर सकते हैं ये जो देख रहे हैं ये हमारी ई बुक है ई e बुक में आपको वाई सी टी पब्लिकेशन डॉट कॉम पर मिल जाएगा जो लैपटॉप लैपटॉप ई सी या टैब यूज़ करते हैं उनके लिए आप वाई सी टी पब्लिकेशन डॉट कॉम पर जा सकते हैं मोबाइल यूजर हैं एंड्रॉड मोबाइल यूज़ करते हैं तो हमारा वाई सी टी का एग्जाम प्रिपरेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा वहाँ पर आपको के वी एस की इस बुक के साथ साथ एक हज़ार प्लस ई बुक्स सीरीज क्विजे डेली क्विजेट टॉपर्स गाइडेंस टेस्टरीज़ काफी सारी चीजें आपको आप वहां पे अवेलेबल मिलती रहती हैं, तो वहाँ पे ये चीजें अवेलेबल आपको मिल जाएंगे केवीएस टीजीटी लेवल की अन्य बुकों को रिव्यू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी बुक है एक हजार प्लस बुक तो यहाँ पे रहने वाली बहुत सारी किताबें रहने वाली हैं। तो ये आपको अवेलेबल इस बुक में मिल जाएगी आपका जो भी सब्जेक्ट होगा यहाँ पर अवेलेबल आपको मिल जाएगा तो एक हज़ार प्लस ई बुक्स का एक्सेस एक साथ आप ले सकते हैं हमारी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आई वीडियो शुरू करते हैं पेपर्स का डिटेल में बताता हूँ एक पेपर का डिटेल में बता दूंगा साथ ही साथ आपका क्या चीज़ें रहने वाली है वो सारी चीज़ें डिटेल से मैं आपको बताने वाला हूँ तो जो पहले सच पहले हम एग्जाम सिलेबस डिस्कस करेंगे एग्जाम सिलेबस के बाद के केवीएस के 2018 का पेपर टीजीटी टी का और केवीएस के आपको 2015 का पेपर केवीएस के 2014 का पेपर भी आपको मिल जाएगा तो 2018 2017 2015 2014 चार पेपर ही आपको अवेलेबल यहां पे मिलने वाले हैं इसके बाद केवीएस का के जो प्रैक्टिस सेट रहने वाला है छह प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल मिल जाएगा विथ सेट सोल्यूशन के साथ यानी पहले उसका सेट मिल जाएगा एग्जाम पेपर का सेट मिलेगा उसके बाद उस एग्जाम पेपर के सल्यूशन पे मिलने वाले हैं तो छह सेट आपको प्रैक्टिस के लिए मिलने वाला है इसके अलावा चार सेट आपको प्रीवियस ईयर मिलने वाला है जो पेपर पहले हुए हैं चार सालों में जो पेपर हुए हैं तो सबसे पहले आप 2018 का पेपर लगाइएगा दो हज़ार सत्रह दो हज़ार पंद्रह दो हज़ार चौदह के इसके बाद आप इसके प्रैक्टिस सेट लगाइएगा जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिल सके आने वाले जो एग्ज़ाम होगा आपका के वी का उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहने वाला है अब इसमें जो आपका सिलेबस रहने वाला है जो नया सिलेबस आया है उसमें आपका सेक्शन रहने वाला है नेचर ऑफ क्वेश्चन पार्ट वन में आपका जनरल इंग्लिश पंद्रह नंबर के जनरल हिंदी पंद्रह नंबर के रहेंगे जो पंद्रह पंद्रह क्वेश्चन के आपके पूछे जाएंगे इसके बाद आता है पार्ट सेकंड उसमें पचास नंबर का रहने वाला है जिसमें आपको जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स रिलेटेड रहने वाले हैं रीजनेबिलिटी है बीस क्वेश्चन रहेगा ये आपका बीस क्वेश्चन रहने वाला है जीके एंड करंट अफेयर्स का कंप्यूटर लिटरेसी का दस क्वेश्चन तो पचास क्वेश्चन ये आपके रहने वाले हैं पार्ट टू में पार्ट थ्री में आपके सब्जेक्ट ए बी एस टी का रहने वाला है इसमें आपके मार्क्स के रहने वाले, ए, को, रहने वाले वाले हैं पार्ट सेकंड आपका पार्ट थर्ड आपका सौ नंबर का रहने वाला है ठीक है और लेवल ऑफ डिप्लोमा पे ये सिलेबस है जो आपका टेक्निकल का रहने वाला है लेवल ऑफ डिप्लोमा पे रहने वाला है सर्किट फंडामेंटल रेसिटिव सर्किट्स लॉ नेटवर्क थियोरम इसके अलावा यहाँ पे आपको दिया गया है पैसो करंट एलिमेंट्स और यहाँ पे है एनर्जी सोर्सेज ये आपका सिलेबस यहाँ पे दिया गया है डिटेल के साथ तो बुक में भी आपको यहाँ पर सिलेबस अवेलेबल मिल जाएगा यहाँ पर सिलेबस आपको अवेलेबल मिल जाएगा जो सिलेबस मैंने आपको बताया पूरा डिटेल के साथ कुछ टॉपिक्स इधर दिए गए हैं और भी टॉपिक्स लगभग अट्ठाईस तो। यहाँ पे टोटल सैंतीस टॉपिक्स आपके दिए गए हैं तो पूरा सैंतीस टॉपिक्स का डिटेल यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलने वाला है ये सिक्स टॉपिक्स हो गया और टॉपिक्स में बात करता हूँ तो यहाँ पे आपको मैग्नेटिक एंड मैंगलेक्ट्रीजन मिल जाएगा इसके बाद एसी फंडामेंटल है सीरीज एसी सर्किट्स हो गया टाइम कांस्टेंट हो गया टाइमिंग सर्किट्स एंड फिल्टर्स हो गए हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स हो गया और भी टॉपिक्स यहाँ पे आपको दिए गए हैं विथ डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ जो सिलेबस के ने जारी किया पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको डिस्क्राइब कर दिया गया है तो यहाँ पर आपको सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जाएगा ब्रेक डाउन के साथ लास्ट टॉपिक ऑक्सीटर्स तक के सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए गए हैं ये आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलने वाला है अब मैं एक यहाँ पे सिलेबस आपका टोटल जो टॉपिक्स रहने वाले अड़तीस टॉपिक्स हैं यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तक आपको दिए गए हैं यहाँ तक पूरा सैंतीस टॉपिक्स यहाँ पे आपको क्लियर किया गया है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तक आपको टोप टोटल टॉपिक क्लियर किए गए हैं ये टॉपिक्स मैंने आपको सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिएगा अब हम पेपर आपको दिखा दे रहे हैं पार्ट वन में आपका जनरल इंग्लिश पूछा गया है क्वेश्चन वन टू के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं कि इन द फॉलोइंग आइटम्स वर्ड इज फॉलोइंग फोर एक्सप्लेनिंग एक्सप्रेशन चूज द एक्सप्रेशन विच बेस्ट डिस्क्राइब द वर्ड तो स्टॉप गैप के मतलब क्या होता है उसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा टॉल टौ, टॉल टेल आपका रहने वाला है वो यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन अपोजिट यहाँ पे देखना होगा ब्लैंक अपोजिट ब्लैंक मतलब पांच के लिए आपको क्या होगा ये चीजें आपको दी गई हैं तो इंग्लिश के बाद यहाँ पे आपका हिंदी के क्वेश्चन दिए जाएंगे जनरल हिंदी तमस उपन्यास के रचयिता है राजेंद्र यादव प्रेमचंद और जैन या भीष्म भीष्मनी तो तमस के जो रचयिता हैं वो आपके रहने वाले हैं भीष्म साहनी रहने वाले हैं यहाँ डिटेल भी आपको मिलने वाला है तमस भीष्म सहानी का उपन्यास है इनका जन्म रावलपिंडी में हुआ था तमस का परिवेश रावलपिंडी तथा आसपास के गांव में हुए हिंदू मुस्लिम दंगे पर आधारित है इस, इसका प्रकाशन उन्नीस में हुआ था इस उपन्यास को उन्नीस में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला तो ये चीज ध्यान रखिएगा भीष्म सहानी की का जो उपन्यास है वो तमस है इसको आप साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था कब मिला था यह आपका उन्नीस में मिला था इसके बाद आपका निम्नलिखित शुद्ध शब्द है आशीर्वाद आपको देखना है कौन सा है शुद्ध आपका आशीर्वाद डी ऑप्शन रहने वाला है निम्नलिखित शब्दों में गुणवाचक विशेषण है ताजा सब बहुत चार तो गुणवाचक क्या है ताजा है तो ये आपका ये ऑप्शन रहने वाला है ठीक है इसके बाद यहाँ पे जनरल अवेयरनेस पार्ट सेकंड में पूछे जाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज पूरी डिटेल के साथ आपको अवेलेबल यहाँ पे मिलने वाली है इस प्रकार फुल डिटेल सल्यूशन के साथ ये चीज़ें आपको अवेलेबल मिल जाएगी तो जल्दी से मार्केट से जाके इस बुक को परचेज करिए नहीं तो हमारे ऑनलाइन स्टोर से भी आप परचेज कर सकते हैं पूरे डिटेल के साथ मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिकल के कुछ फेमस बुक्स जो हमारी रहने वाली है इंग्लिश वर्जन में वैल्यूम वन वैल्यूम टू और इलेक्ट्रिकल के यही well, वर्ड के लिए वैल्यूम वन वैलूम टू अवेलेबल है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए चार बुक है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए आपका कम्युनिकेशन वालों के लिए ये दो बुक रहने वाली है और भी कुछ नई बुक्स हमारी लॉन्च होगी तो इसी चैनल पर बने रहिएगा सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा और भी कुछ चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद थैंक यू गाइज